ऋतिक रोशन और यामी गौतम के काबिल ने 25 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर दिया था दस्तक, पर लगता है अभी तक दर्शकों का काबिल से मन नहीं भरा। तभी तो अभी तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है। अपने 20वें दिन कलेक्शन में गिरावट के बाद अपने 21वें दिन पर फिर से काबिल ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को संभाल लिया। जी हाँ, इस रोमांस ड्रामा ने अपने 21वें दिन पर 6.62 करोड़ की कमाई करते हुए अपने ग्रैंड टोटल को 134.54 करोड़ रुपीस तक पहुंचा दिया। वैलेंटाइंस डे पर दर्शकों ने रईस से ज्यादा काबिल का पल्ला भारी कर दिया, पर बॉक्स ऑफिस पर दूसरे प्रतिद्वंदी जॉली एलएलबी 2 के होने की वजह से ज्यादा तक दर्शक उसी फिल्म की ओर खींचे चले आ रहे हैं। पर एक बात तो माननी ही पड़ेगी, संजय गुप्ता के काबिल ने धीरे धीरे रईस को आखिरकार मात दे ही दी। तो इस वैलेंटाइंस पर आपने कौन सी फिल्म देखी, हमें बताएं और कमेंट करें।